नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो DOE ने नोटिफिकेशन के माध्यम से आज ही जारी करी है। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया था कि DOE ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जारी करी थी, जिसमें DOE ने कहा था कि वह सभी स्कूल जो DOE के तहत आते हैं उन्हें अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल से शुरू कर देनी है और छुट्टियां 9 जून यानी कि 9 जून तक चलेंगी। छुट्टियां थोड़ी पहले कर दी जा रही हैं ताकि इस कोरोना के समय में बच्चे अपने घरों में रिलैक्स कर सकें और साथ ही टीचर्स और स्कूल स्टाफ को भी घर में आराम करने का मौका मिले। लेकिन यह पाया गया कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल DOE की इस घोषणा में जो निर्देश दिए गए हैं सभी को उनका पालन नहीं कर रहे हैं। अलग अलग अखबारों में अलग अलग खबर छपी। मैं आपके लिए हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर भी लेकर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल DOE के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं और वह यह कह रहे हैं कि हम अपने आप में बैठक करेंगे और बैठक के बाद हम फैसला लेंगे कि क्या हम DOE की बात मानेंगे या फिर DOE के इस फैसले को चुनौती देंगे। अब उनके इस बात के बाद DOE ने जारी करी है एक और नोटिफिकेशन, एक और अधिसूचना DOE ने जारी करी है आज ही यानी कि 21 अप्रैल को, जिसमें DOE ने फिर से छुट्टियों पर कि छुट्टियां 20 अप्रैल से ही शुरू होनी चाहिए इस पर जोर दिया है। और इस बार उन्होंने सीधे सीधे प्राइवेट स्कूलों को छुट्टियां जो समय DOE ने बताया है उसी समय पर करने के आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। तो क्या कहा है DOE ने इस नए नोटिफिकेशन में, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। DOE ने बताया है कि रीशेड्यूल समर वेकेशन को करना ज़रूरी है जो कि एकेडमिक सेशन 21-22 की है और ऑनलाइन क्लासेस और सेमी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी सस्पेंड होनी चाहिए फिलहाल के लिए। DOE ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली भारत के उन राज्यों में से एक है जो कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, इसीलिए हमने पिछले एक साल से हमारे इधर हमारे दिल्ली में बच्चों का टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हैं। जो बच्चों का नुकसान हो रहा है पढ़ाई से संबंधित उसे कम करने के लिए बहुत से प्राइवेट स्कूलों ने ऑल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स अपनाए ताकि सिलेबस को कवर किया जा सके। प्राइवेट स्कूलों ने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से करवाई और टीचर्स ने बहुत अच्छा काम करा, टीचिंग स्टाफ ने बहुत अच्छा काम करा, अपने स्किल्स को अपग्रेड करा और अपने समय को और अपनी एनर्जी को लगाया बच्चों के लिए लर्निंग मटेरियल तैयार करने के लिए, जिसकी मदद से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाई और पिछले एक साल से ज़्यादा से समय से इनफैक्ट एक साल से भी ज़्यादा समय से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसीलिए DOE को लगता है कि अब उन्हें टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ब्रेक मिलनी चाहिए, उनकी जो रूटीन ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी उन्हें एक ब्रेक मिलनी चाहिए। साथ ही DOE कहता है कि छुट्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती हैं बच्चों की ज़िंदगी में और टीचर्स की ज़िंदगी में। यह उन्हें एक मौका देती हैं कि जो एक मोनोटनी एक रोज़ाना का जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है उसमें ब्रेक मिले, साथ ही वह नए न्यू स्किल्स को डेवलप कर सकें, नए बच्चे नई बुक्स पढ़ सकें, अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकें, रिलैक्स कर सकें, क्योंकि यह कोरोना काल है इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग थोड़ा आराम करें और अपने न्यू स्किल्स को लर्न कर सकें, नई बुक्स पढ़ सकें और अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए DOE ने जारी करा था एक नोटिफिकेशन जो कि 19 अप्रैल को जारी किया गया था, 19 अप्रैल को, जिसमें DOE ने कहा था कि सभी सरकारी एडेड और प्राइवेट स्कूल अपनी गर्मियों की छुट्टियां 20 अप्रैल से शुरू कर दें, जो कि 11 मई से शुरू होनी थी, 11 मई से शुरू होनी थी और छुट्टियां ख़त्म होने की तारीख भी 9 जून होगी, जो कि पहले थोड़ी लेट छुट्टियां ख़त्म होनी थी। और DOE ने यह भी आदेश दिए थे कि सभी तरह की ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दी जाएँ, फिलहाल के लिए रोक दी जाएँ और बच्चों की छुट्टियां कर दी जाएँ। लेकिन यह DOE के नोटिस में आया है कि बहुत से जो प्राइवेट स्कूल हैं DOE की इस घोषणा के बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। इसीलिए DOE ये कहता है कि जो अभी कोरोना का समय चल रहा है उसे ध्यान में रखते हुए और सभी टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, स्टाफ का सेहत को ध्यान में रखते हुए DOE यह कहता है कि जैसे
सरकारी स्कूल बंद हो गए, सरकारी एडेड स्कूल बंद हो गए, उसी प्रकार प्राइवेट अनएडेड ऑर्गेनाइज स्कूल्स भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस को सस्पेंड करें, को फिलहाल के लिए रोकें और बच्चों को छुट्टियां दें। साथ ही DOE ने यह भी कहा कि वे आदेश देते हैं कि सभी मैनेजमेंट को जो प्राइवेट अलग अलग प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को चला रही हैं कि वह अपने स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन क्लासेस और सेमी ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करें और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत करें। लेकिन इस समय में जो छुट्टियों का समय है, स्कूल चाहे तो जो रेमिडियल क्लासेस होती हैं स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस क्लासेस, ओवरऑल सोशल और बच्चों की इमोशनल वेलबींग के लिए जो क्लासेस होती हैं, जो छुट्टियों में क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी बहुत चलती हैं, जो हफ्ते में एक हफ्ते में दो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिसमें पढ़ाया नहीं जाता बल्कि बच्चों के आप कह सकते हैं ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, बच्चों की इमोशनल वेलबींग के लिए क्लासेस होती है, चाहे स्कूल चाहे तो वह क्लासेस कंडक्ट करवा सकते हैं लेकिन पढ़ाई से संबंधित क्लास नहीं करवा सकते। पढ़ाई से संबंधित क्लास जब 9 जून को छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उसी के बाद दोबारा से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हों जिसमें पढ़ाई से संबंधित बातें भी की जाए, लेकिन इन छुट्टियों में बच्चों की इमोशनल वेलबींग को लेकर, बच्चों की क्रिएटिविटी को लेकर, उनकी हैप्पीनेस को लेकर या स्पेशल एक्टिविटीज़ कोई हो, रेमिडियल क्लासेस कुछ स्टूडेंट्स की हो, स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टूडेंट्स की हो, केवल और केवल स्कूल वही कंडक्ट करवा सकते हैं। इसी के साथ साफ कर दिया है DOE ने अपनी आज की एक नई नोटिफिकेशन में कि प्राइवेट स्कूलों को भी वही निर्देश मानने हैं जो DOE ने दिए हैं, जो सरकारी स्कूलों ने माने हैं, जो सरकारी एडेड स्कूलों ने माने हैं। सरकारी और सरकारी एडेड में तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं। साथ ही DOE ने साथ बात साफ कर दी है कि प्राइवेट स्कूल वालों को भी बच्चों को छुट्टियां देनी है और बच्चों की छुट्टियां 20 अप्रैल 20 अप्रैल से 9 जून 9 जून तक चलेंगी और प्राइवेट स्कूलों को DOE के इस निर्देश का पालन करना होगा। इस समय में बच्चों को रिलैक्स करने का टाइम दिया जाए, बच्चों को घर में बैठे नई अपनी अपनी हॉबीज़ को डेवलप करने का टाइम दिया जाए, अपने न्यू बुक्स को पढ़ने का मौका दिया जाए या फिर सिंपली एंजॉय का मौका दिया जाए। और अगर स्कूल चाहते हैं कि जो हैप्पीनेस क्लासेस छुट्टियों में कई स्कूल थोड़ी बहुत लेते हैं, हैप्पीनेस क्लासेस, बच्चों की इमोशनल वेलबींग से संबंधित क्लासेस या बच्चों की क्रिएटिविटी से संबंधित क्लासेस, वो थोड़ी बहुत क्लासेस लेना चाहते हैं तो वह छुट्टियों में ले सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से संबंधित क्लास 9 जून के बाद ही लें। तो बहुत साफ कर दिया है DOE ने कि प्राइवेट स्कूल वाले नहीं कर सकते अपनी मनमानी और उन्हें DOE की बात माननी होगी। अब देखना यह है कि क्या होता है प्राइवेट स्कूल्स का फैसला, क्या वे कर देते हैं अपने स्कूल में पढ़ने वाले, ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत, या फिर वो जाते हैं DOE के विरुद्ध। यदि इस संबंध में मुझे और जानकारी प्राप्त हुई तो वह मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। साथ ही आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, रोज़ाना हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स का जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। मेरी अपनी एक पारिवारिक ज़िंदगी है, एक 5 साल का बच्चा है, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसे भी पढ़ाना होता है, उसके अलावा परिवार से संबंधित कुछ और जिम्मेवारियां होती हैं। सबकी शिक्षा के लिए भी मेरा काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और वह मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो मैं सभी चीज़ों को साथ लेके चलती हूँ, लेकिन 24 के 24 घंटे को मैं यूटिलाइज अच्छे तरीके से करती हूँ, हिसाब से सोती हूँ, हिसाब से घर का काम करती हूँ, हिसाब से बच्चे को पढ़ाती हूँ, हिसाब से सबकी शिक्षा का काम करती हूँ, सब चीज़ों को साथ लेके चलती हूँ, लेकिन हज़ारों की संख्या में जो कमेंट्स हैं उनका जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। मैं आप सभी के यकीन मानिए कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स में जो भी सवाल होते हैं संबंधित वीडियो लेकर आती हूँ, लेकिन हाँ, लिखकर जवाब दे पाना मेरे लिए इस समय संभव नहीं है। आप सभी से क्षमा मांगूंगी कि आप में से बहुत से लोग कई बार कहते हैं कि मैम हमने 5 बार सवाल करा, आपने जवाब नहीं दिया। अगर आप देखेंगे तो आपके सवालों के जवाब पर आधारित ही वीडियो लेकर आ रही हूँ। अगर आप ध्यान से देंगे, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं से संबंधित ही मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। और आज की वीडियो भी, क्योंकि आप लोग सवाल कर रहे थे कि हमारे बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में तो छुट्टियाँ नहीं हुई हैं मैम, बताइए हम क्या करें, तो आपके सवाल के जवाब पर ही आज की वीडियो लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप इसमें मेरा साथ देंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।